अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ टू डू की जानिब से आपकी खबर में हाजिर हूँ। आज के इस नए वीडियो टॉपिक में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हाउ टू पे एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन HBL अकाउंट ऑनलाइन। ठीक है कि मोबाइल या टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए हम HBL मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर गैस, बिजली और फ़ोन के बिल जो है वो हम किस तरह पेड कर सकते हैं। ठीक है, ये है आज का हमारा न्यू टॉपिक जिसे मैं आप दोस्तों को वीडियो के अंदर करके बताऊँगा। तो इससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल हाउ टू डू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लें, ताकि नई हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे और आप उसे देख कर उससे मुस्तफ़ेद हो सकें। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आपने अपना मोबाइल जो है वो ओपन कर लेना है, देन आपने उसके अंदर जो है HBL की एप्लीकेशन ओपन करके लॉग इन हो जाना है। ठीक है, लॉग इन होने के बाद आपने अकाउंट के अंदर जाना है। अकाउंट के बाद जो है यहाँ पे पेमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब आपके पास ये लेआउट आ जाए और ये फीचर आपके सामने आइकन वगैरह सामने मौजूद हो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर HBL मोबाइल में लॉगिन होने के बाद, तो आपने पेमेंट्स के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देन जो है आपने जाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अगर आप एजुकेशन फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड बिल जो है ये लैंडलाइन के बिल वो भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और गैस बिल, लैंडलाइन, मोबाइल, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ, ज़कात भी दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ मैं फ़िलहाल उसी के बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है अपनी कंपनी वो आपने सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंपनी के जो है वो बिजली इस्तेमाल में ला रहे हैं। मैं चूँकि सरगोधा से तल्लक रखता हूँ, तो यहाँ सरगोधा में फैसलाबाद जो बिजली है, फैसलाबाद बिजली घर, वहाँ से मैं बिजली यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फैसको जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो है कंज्यूमर नंबर वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। अगर आपके पास पहले ऐड है, तीन चार आपने पेमेंट किए हुए हैं बिल, तो उसके लिए आपने इस एग्जिस्टिंग कंज्यूमर नंबर पर आपने क्लिक करना है। अदरवाइज़ आपने यहाँ पे 14 डिजिट का जो कंज्यूमर नंबर है वो आपने बगैर स्पेस के यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बिल शो हो जाएगा, और बिल जो है अमाउंट वो भी आपके पास शो हो जाएगी। नीचे यहाँ पे सिलेक्ट योर अकाउंट, ठीक है, कस्टमर, आपने अपना अकाउंट जो है वो यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए अपना मेरा जो नेम है वो शो हो गया है, और इसे ये किस ब्रांच में है, सेलर टाउन चौक ब्रांच में है, तो ये मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, देन जो है आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो यहाँ पे टाइप करना है अपना जो आपने बनाया हुआ है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। प्लीज़ वेटिंग प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये 2-4 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद जो है आपका बिल जो है वो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, आपने जो अमाउंट पे की है बिल की, आपकी जितनी अमाउंट थी 4242 पे, वो आपकी पेड हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये अगेन जो है आपके पास बैंक मेरिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा ट्रिक जो मैंने आप दोस्तों को बताया है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफ़िज़।